हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई फाई स्टूडियो सीवन इलर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन NMCG ने शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है, ये वास रहेगा यहाँ पे, वास के साथ यानी जल स्वच्छता और स्वच्छता संस्थान के साथ एक समझौता किया है वास, WASH यानी जल स्वच्छता और स्वच्छता संस्थान के साथ एक समझौता किया है। यह शहरी स्थानीय निकायों में अधिकारी की सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण आयोजित करेगा। इस परियोजना को US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने 18,000 करोड़ रुपये की एयर इंडिया की बोली जीती है। तो टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए की एयर इंडिया की बोली जीत ली है। एयर इंडिया और इसकी कम लागत वाली शाखा एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% हिस्सेदारी के अलावा जीतने वाली बोली में एयर इंडिया STS एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी भी शामिल है। अब तक एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने कियारा आडवाणी को अपनी संपूर्ण गोल्ड ज्वेलरी रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे इस नए अभियान नाउ इज द टाइम में शामिल होगी जो वर्तमान में डिजिटल और प्रिंट मीडिया पर चल रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश के प्रधानमंत्री भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फेडरिकसन जो हैं वो भारत में 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे। यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सितंबर 2020 में आयोजित वर्चुअल समिट के दौरान भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस भारतीय मूल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक अलिसा गड़िया। भारतीय मूल की लड़की अलिसा गड़िया को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अलिसा गड़िया एक जलवायु कार्यकर्ता और UK स्थित गैर लाभकारी संगठन कूल अर्थ की मिनी एम्बेसडर हैं और उन्हें संगठन के लिए 3,000 GBP से अधिक जुटाए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2021 नोबल शांति पुरस्कार किसने जीता है। 2021 का नोबल शांति पुरस्कार फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा, जो फिलीपींस की पत्रकार हैं ये मारिया रेसा हैं, और रूस के दिमित्री मुराटो 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार को जीत लिया है। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए आवश्यक है। मारिया रेसा फिलीपींस स्थित समाचार संगठन रैपलर की CEO हैं, जबकि दिमित्री मुराटो रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा के प्रधान संपादक हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता SM कृष्णा ने चामुंडी हिल्स में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का आयोजन किया। ऐसा माना जाता है कि देवी चामुंडा ने इसी दिन महिषासुर राक्षस का वध किया था। उनकी मृत्यु के बाद शहर का नाम मैसूर पड़ा था। नेक्स्ट करंट अफेयर, विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व अंडा दिवस हर साल
8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य इस उत्तम सुपर फूड के लाभों का जश्न मनाना और उनके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंडे में शरीर के लिए आवश्यक 13 विभिन्न विटामिन और खनिज होते हैं। यह गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में किसे गुवाहाटी हवाई अड्डे का संचालन सौंपा गया है? तो अडानी ग्रुप को हाल ही में गुवाहाटी हवाई अड्डे का संचालन सौंपा गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड के बीच रियायत समझौते पर 19 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। यह पहले से ही अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु में 3 हवाई अड्डों का संचालन करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, RBI ने IMPS यानी तत्काल भुगतान सेवा लेन देन की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तत्काल भुगतान सेवा लेन देन की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख से 5 लाख रुपये कर दिए। RBI ने 1 अगस्त 2021 से प्रभावी सभी दिनों में राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस भी उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व निवेशक सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व निवेशक सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन निवेशक शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन करता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन यानी IOSCO WIW अभियान के प्रमुख संदेश 2 विषयों अस्थायी वित्त और धोखाधड़ी और घोटाले की रोकथाम पर आधारित होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने GDP विकास लक्ष्य को कितना प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये बरकरार रखा है 9.5%। इसमें 2020-21-22 के दूसरे तिमाही में 7.9% से तीसरे तिमाही में 6.8% और चौथे तिमाही में 6.1% शामिल है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अजय वारियर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया होगी? तो अजय वारियर अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य आयोजित किया गया। यह जो सैन्य अभ्यास है अजय वारियर, यह उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई। अजय वारियर अभ्यास का 6ठा संस्करण मित्र देशों के साथ अंतर संचारिता विकसित करने और विशेषज्ञता को साझा करने के एक पहल का हिस्सा है। इस अभ्यास का समापन 20 अक्टूबर 2021 को होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, UAE ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना की घोषणा की है? तो ये है 2050 तक। संयुक्त अरब अमीरात ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात अच्छे ऊर्जा में 600 बिलियन दिरहम यानी $163 बिलियन का निवेश करेगा। इसमें संयुक्त अरब अमीरात जलवायु प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए एक कठोर पहल शुरू करने वाला मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका देश का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, महात्मा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गुरुग्राम स्थित एक NGO है, लोटस पटेल फाउंडेशन, इसे महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। NGO यानी गैर सरकारी संस्था को शहर के अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण में योगदान के लिए मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर, किस भारतीय क्रिकेटर ने भारतीय फर्म रारियो के साथ एक नॉन फंजिबल टोकन समझौता किया है? तो ये भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं। लाइसेंस प्राप्त क्रिकेट डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म रारियो उपयोगकर्ताओं को यूजर को क्रिकेटरों और उनके अंतर्राष्ट्रीय लीगों द्वारा NFT खरीदने और व्यापार करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो 6S अभियान शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। 6S अभियान विभिन्न योजनाओं जैसे स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर संकल्प और स्वागत को समाहित करता है। इसका उद्देश्य ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजना की पहुंच में सुधार करना
और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर आज का, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये हैं अंशु मलिक। अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अंशु मलिक नॉर्वे के ओस्लो में ओलंपिक पदक विजेता हेलेन मॉरिलिस से फाइनल में 4-1 से हार गई। सरिता मोर ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वह 6ठी भारतीय महिला कांस्य पदक विजेता हैं और कुल मिलाकर विश्व चैंपियन में 7वीं पदक विजेता बन गई हैं। थैंक यू।